हमारे जो स्टेट के बड़े नेता हैं उसमें हमारे यहाँ के भी नेता महेंद्र कुमार चावड़िया रोहतक गए हुए हैं, उनकी बैठक चली, वहाँ आज ये निर्णय लिया गया कि आगे की रणनीति में ये बताया कि 3 दिन की हड़ताल और बढ़ाएगी, काली दिवाली मनेगी, लेकिन हम मोदी की भी और खट्टर की भी काली दिवाली मनाएंगे। एक भी कर्मचारी ड्यूटी पे नहीं रहेगा और कचरे का ढेर रहेगा, इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। लेकिन शहर के लोग परेशान होंगे, वो तो देखो जी, हमारे ऊपर तो है नहीं जनता कि हम चाहे ना करते, हमेशा सफाई करते हैं, शहर को साफ सुथरा बनाने में, जनता की सुरक्षा करने में हम योगदान देते हैं, लेकिन ये सरकार की जिम्मेवारी हमारी मांगों को नहीं मान रही। अगर हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो उसकी जिम्मेवारी सरकार की है। तो अब 3 दिन बाद दिवाली है, तो ऐसे में सफाई व्यवस्था कैसे होगी? वो तो चरमराएगी साहब, 3 दिन की दिवाली है तो। जैसे जी दिवाली के समय पे जो कचरा गंदगी हो रही है ना, उसके हम चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी फैसला करा जाए, ना माने तो और आगे बढ़ सकती है। ये हमारा जो राज्य कमेटी का फैसला है कि 3 दिन की हड़ताल और बढ़ाई जाए, ऊपर से बांध आप बता रहे हो, दिवाली का पर्व भी है, एक बहुत ही अच्छा त्यौहार मनाया जाता है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। ये जिम्मेवारी जो है सरकार की बनती है कि मान ले अगर हमने इसकी, ये आज से हमारी लड़ाई नहीं चल रही है। मैं आम लोग कहाँ जाए जिनके घरों में कचरा इकट्ठा हो गया है, सड़कों के ऊपर तमाम जो है कचरे के डंप बन गए हैं, वो कहाँ जाए? ये कर्मचारी की एक मजबूरी है, कर्मचारी की जिम्मेवारी नहीं। अगर हड़ताल करवाना चाहती है सरकार तो हड़ताल पे है, अगर फैसला अगर करना चाहती है तो फिर फैसला मंच पर हो जाएगा, सफाई हो जाएगी। आगे अगर सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं की तो 3 दिन की तो यह है, आगामी भी जो है अनिश्चितकाल दिन हड़ताल हो सकती है। यानी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन कौशल जो योजना है उसको जड़मूल से खत्म किया जाए और कच्चे कर्मचारियों की नियमित भर्ती की जाए, ये हमारी मजबूरी है। और मजबूरी हमें भी खेद है इस बात का कि हमारा शहर दिवाली का त्योहार है, लेकिन हम भी मजबूर हैं कि सरकार अगर हमारी बात को सिरे चढ़ा देती है तो कचरा जो हम दिन रात जो है मेहनत करके और साफ सफाई का काम सुचारू रूप से चला दें। हम चाहते हैं हमारा शहर स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, बढ़िया रहे, परंतु किसी शहरवासियों ने आज तक अपने लेटर पैड पे जितनी संस्थाएं चल रही है, जितनी भी संस्थाएं हैं, आज तक ये नहीं लिख के दिया कि कर्मचारी जायज मांग कर रहा है, जायज मांग के लिए लड़ाई कर रहा है। जब भी सरकार से बातचीत होती है वार्तालाप टूट जाती है। लेकिन आज सवाल ये है दीपावली के मौके पर लगातार हम कहां जाएं, किससे कहें, कहां रोएं, हमारी कौन सुनने वाला है? मोदी तो सुने हमारे, मोदी जी तो कहते हैं स्वच्छ अभियान चल रहा है, मोदी जी सब झूठ बोलते हैं, खट्टर साहब झूठ बोलते हैं, जब भी वार्तालाप होती है सरकार से हमारी वार्ता विफल होती है। अरे हम भी शहरवासी हैं, हम चाहते हैं शहर सुंदर रहे, स्वस्थ रहे, इस शहरवासियों का फर्ज बनता है। लेकिन अब तो लोगों के घरों में अंबार लग गए कचरे के, 5-5 दिन का कचरा पहले ही इकट्ठा है, गाड़ियां आ नहीं रही है, हमारी मजबूरी है, हम भी शहरवासी हैं, हम चाहते हैं हमारे शहर के नागरिक स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, अच्छे हम स्वस्थ रहे। मांगे क्या क्या है आप लोगों की? हमारी 16 सूत्रीय मांगे है और 16 चल रही है हमारी मांगे। जब भी सरकार से वार्तालाप होती है वो टूट जाती है। ये सरकार खट्टर सरकार बड़ी झूठी है, वादे खिलाफी है। जब भी कर्मचारी हमारे नेता जाते हैं बातचीत के लिए, उनसे बातचीत करके यस यस तो करती है, लेटर जारी नहीं करती। काली दिवाली मनाएंगे तो हमारे शहरवासी भी हमारा सहयोग करेंगे, भाई आज हम इनकी लड़ाई। पहले तो मैं दादा मोहनलाल जी आपका शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ। आप हमारी हर मांग, हमारे दिल का दुख दर्द आम जन तक पहुंचाते हैं, आपका चैनल का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। रही बात 3 दिन की और बढ़ा दी हड़ताल, ये हम नहीं खुश होकर नहीं बढ़ा रहे, हमारी मजबूरी है, हम खुश होकर हड़ताल पर नहीं बैठे, हमारी मजबूरी है, हम गंदगी करना नहीं चाहते, हमारी मजबूरी है, गंदगी करवा रही है सरकार, करवा रही है टाइम बढ़वा रही है सरकार, बढ़वा रही है, क्यों नहीं मानती सरकार जायज मांगे, हमारा गुनाह क्या आप बताइए? हम ये चाहते हैं हमारी पब्लिक परेशान हो, हम ये चाहते हैं हमारा शहर गंदा हो, हम नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं हमारा शहर साफ सुथरा रहे, रखा भी है और आगे रखेंगे भी, हम बिल्कुल ये नहीं चाहते, हमारी मनसा ये नहीं कि हम शहर नागरिक को परेशान करें, नहीं। देखो परेशानी तो उठानी पड़ रही है लोगों को, इसमें कोई दो राय नहीं है,
परंतु ये टेक्निकल दिक्कत आ रही है किसी कारण से, उनका टेंडर कैंसिल कर दिया गया था। बता रहा जैसे कि पता लग रहा है कि जो पीछे डीएमसी साहब थे वो इनके टेंडर पे कोई कमेंट्स कर गए थे, अब उस कमेंट्स की करने की वजह से बड़ी दिक्कत उठानी पड़ रही है। अभी 3-4 दिन पहले चेयरपर्सन ने भी मीटिंग ली है और सख्त आदेश करेगी, अगर अभी वो टेंडर नहीं हो पा रहा है तो शहर का काम चलता रहना चाहिए। फिर भी हम तो नई जो डीएमसी मैडम आई है उनसे उम्मीद करते हैं कि इसको जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन। लेकिन कचरा गाड़ी वालों को पैसे नहीं मिल रहे, वो हड़ताल पे चले गए, सफाई कर्मी 350 चले गए हड़ताल पे, 3 दिन की और बढ़ा दी है, तो शहर तो दीपावली पे कचरे में तब्दील हो जाएगा। सफाई कर्मचारी जो हड़ताल पे गए हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ जाकर गए हैं, वो ये नहीं कि रेवाड़ी नगर परिषद के। अभी कल परसों आपने भी न्यूज में पढ़ा होगा उनको 50 लाख से ऊपर एरियर दिया गया दीपावली के उपलक्ष में, तो वो एक स्टेट लेवल की उन प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ नगर परिषद। लेकिन लोगों के घरों में तो कचरा इकट्ठा हो, ये तो आप भी मान रहे हैं, जगह जगह कचरे के ढेर लग गए हैं। हम तो क्या कर सकते हैं, स्टेट लेवल का मामला है तो सरकार को भी सोचना चाहिए। और ये जो टेक्निकल दिक्कत आती है, मैं तो कह रहा हूँ नई डीएमसी मैडम आई है, हमें उम्मीद है कि शहर में काम हो, तो उन्हें भी करना चाहिए कि नई दीपावली का त्यौहार है इसका शॉर्ट आउट करना चाहिए, जनता को टेक्निकल से और उससे कोई लेना देना। आपके वार्ड में भी है ये समस्या, लोगों घरों में कचरा, पूरे शहर में समस्या है, हमारे पास भी फोन आ रहे हैं, परंतु हम क्या करें, हम तो एक कोशिश कर रहे हैं, हमने तो परसों भी इस चीज के लिए बोला है कि भाई जल्दी से जल्द चालू करा जाए। आपको नहीं लगता दीपावली में शहर कचरे में तब्दील हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल आपका कहना है, शहर में बहुत बुरी हालत हो रही है, रोड के ऊपर कचरा फैला रहे हैं लोग, बाग उनको भी वो क्या करें, लोग कहाँ लेके जाए कचरे को, दिवाली में धोता ही है, ऑटोमेटिकली सफाई होनी चाहिए। लेकिन हरियाणा का तो पता नहीं क्या चक्कर है, दुर्भाग्य ही है कि यहाँ का कचरे का जो इंजाम, इसी टाइम हड़ताल हुई जिस टाइम, और डीएमसी साहब से मैं तो डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने लेवल के ऊपर कैसे भी इंजाम करें और कचरे को जो है उठवाएं, एक बार तो उठवाएं। तो आप दीपावली मनाएंगे, कचरे के ऊपर जिस तरीके से ढेर लग रहे हैं शहर भर में जगह जगह, नहीं लगता एक शर्मसार करने वाली स्थिति? नहीं है तो सही शर्मसार कर, लेकिन कई बातें होती है आउट ऑफ वो होती है आदमी के। डीएमसी साहब से बात हुई थी परसों, वो भी कह रहे मैंने ऊपर करना भेजा हुआ, मेरे उसमें आता नहीं है, अथॉरिटी में नहीं आता, पावर में एक्सटेंशन करना जैसे 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए, हो सकता है उनकी इंटरनल। मोदी जी तो कह रहे स्वच्छ भारत होना चाहिए, ऐसा स्वच्छ भारत बनेगा क्या? मैंने तो यही कहा, हमें तो यही काम होना चाहिए, चाहे डीएमसी साहब के कराएं, चाहे डीसी साहब कराएं, चाहे सीएम साहब कराएं, भाई आम आदमी क्या मतबल है, एजेंडा पास हो रहा है नहीं हो रहा है, ठेकेदार के उसका क्या टेंडर पास हुआ नहीं हुआ।